हेलो दोस्तों, टेक्नोआर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं और गाना को अपना हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी मैं आ गया हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में और आप देख सकते हैं मैं दो गाना है इसमें, दो गाने को मैं चला रहा हूँ। पहले ये था एक म्यूजिक, अभी इसको बंद करके दूसरा म्यूजिक मैं चलाऊंगा। तो ये था दूसरा म्यूजिक, अभी ये दोनों म्यूजिक को मैं ऐड करके दिखाऊंगा आपको एक ऐप के माध्यम से। देखिए कैसे करता हूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी ब्राउजर में जाइए। मैं गूगल क्रोम में गया, उसमें जाके लिखूंगा ऑडासिटी। तो ऐसा करने से आपके पास एक पेज खुल जाएगा और इसमें ऑडासिटी लिखा होगा, तो इसको आपको डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने से आप देखिएगा ऑडासिटी का एक साइट खुल जाएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वर्सन डाउनलोड करना है। और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में विंडोज, लिनक्स और मैक के लिए अलग अलग से है, तो आप अपना हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप ए लिंक से ऑडेसिटी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं इसी को खोल लूँगा। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसको आप म्यूजिक को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इसका एडिट पेज आपको ऐसे दिखेगा और अभी ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कुछ करूंगा। तो पहले तो मैं टाइम शिफ्टर में जाऊंगा, इधर देखिए टाइम शिफ्टर में जाके मैं म्यूजिक को टाइम को शिफ्ट करूंगा थोड़ा सा। और इससे आप इसको जूम कर सकते हैं, देखिए यह जूम बटन, जूम से आप इसको जूम कर सकते हैं। कैसे देखिए, ऐसे सिंगल क्लिक करने से आपको जूम होता रहेगा। और यह है प्ले हेड, इसको इधर क्लिक करके आपको प्ले कर देना है, तब आप सुन पाएंगे। देखिए तो अभी क्या हो रहा है, एक गाना खत्म होने के बाद दूसरा म्यूजिक चालू हो रहा है। तो अभी इसको मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक गाना खत्म होने से पहले ही दूसरा चालू होगा, तो थोड़ा टाइम शिफ्ट करते हैं ऐसे। तो आप एकदम ध्यान से देखिए, तो अभी हमने म्यूजिक दोनों को ऐड कर लिया और इसको अभी फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना है। फाइल में जाके आपका एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें एक्सपोर्ट करेंगे ऐसे, ये वाला एक्सपोर्ट कर देने से आपको इसको सेव करना होता है। तो मैं डेस्कटॉप में सेव करूंगा, नाम दे दूंगा टेस्ट ऑडियो, ओके कर दूंगा। अब ये सेव हो जाएगा, ऐसे सेविंग हो रहा है। तो सेव होने के बाद अब इसको ऐसे, ये देखिए वेब फॉर्मेट में सेव होता है, ये वेब फॉर्मेट में। अब इसको थोड़ा चला के देखेंगे।
तो इस तरह से आप बहुत सारे म्यूजिक को ऐड करके एक लंबा टाइम वाला म्यूजिक बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, जय हिंद।